नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी फिर से दो वर्कशीट्स आई हैं। पहले है 8A, ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका होने वाली है, और उसी के साथ हमारी दूसरी वर्कशीट है 8B, जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी की कार्य पत्रिका से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स को करने वाले हैं, तो आइए हिंदी से शुरू करेंगे। ये हमारी 12 अप्रैल 2021 की होने वाली है। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों नमस्ते, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बात करना सबको अच्छा लगता है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। यानी जब आप किसी से बात करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम संवाद कर रहे हैं। आइए बच्चों, आज इस कार्य पत्रिका की मदद से संवाद की समझ को और मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम संवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है, बच्चों पिछले साल आपने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज्यादा बातचीत नहीं कर सके। इसी विषय को लेकर दो मित्रों अरुण और वरुण के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि दो दोस्त हैं अरुण और वरुण, उनके बीच कुछ बातचीत हो रही है। ठीक है, हमें अंदाजा लगाना है कि क्या बातचीत होगी। आप अपने हिसाब से जो आपका मन करे वो आगे बातचीत लिख सकते हैं। शुरुआत कैसे की हुई है देखते हैं। सबसे पहले अरुण कहता है कि कैसे हो दोस्त। वरुण कहता है मैं ठीक हूँ। फिर अरुण दोबारा पूछता है दोस्त तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके आगे वरुण क्या जवाब देगा ये आप अपने हिसाब से बताएंगे। फिर अरुण कुछ कहेगा, फिर वरुण कुछ कहेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको इसके आगे की लाइन दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए, वरुण कहता है एकदम बढ़िया चल रही है, तुम बताओ। फिर अरुण जवाब में कहता है कि मेरी भी बढ़िया चल रही है, हमारे अध्यापक वीडियो द्वारा सब समझा देते हैं। फिर वरुण कहता है हाँ मेरे अध्यापक भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बातचीत को चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लॉकडाउन के बारे में बात कर सकते हैं, कोरोना के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप मिलने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, इसके जो आपका मन करे आप वो बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें गद्यांश मिला है, यानी एक स्टोरी का एक हिस्सा मिला हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न दिए हैं, 1, 2, 3, उनका जवाब भी ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं पहले गद्यांश में क्या लिखा है। तीन भाई थे, एक दिन वे तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ दिखा, उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश था। आइए देखते हैं प्रश्न कौन क्या क्या है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे। तो देखिए हमारी पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकल पड़े, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसको और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या करेंगे, जैसे तीनों भाई, सबसे पहले आप यहीं से शुरू करेंगे कि तीनों भाई, उसके बाद जहां पर ये लिखा होगा ना किस चीज, इसको काट के आप क्या लिखेंगे, नए घर। ठीक है, नए घरों की तलाश में ऐसे आप लिख लेंगे कि फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकले थे। ठीक है, आंसर में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, आंसर में आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा। तो यहाँ पे कौन से पेड़ की बात हो रही थी, यहाँ पे आम के पेड़ की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ दिखा, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द ढूंढकर लिखिए। तो तुकान शब्द हमने पढ़ा था कौन से होते हैं, जिनकी मिलती जुलती आवाज होती है। जैसे पहला शब्द देखिए काम है, तो काम से मिलता जुलता शब्द कौन सा था, आम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काम आम। तो दूसरा है भेड़, भेड़ जैसा शब्द क्या है, पेड़। ठीक है, तीसरा है कस, कस जैसा क्या है, रस। ठीक है, फिर नरम, नरम जैसा क्या है, गरम। तो गरम गरम धूप की बात हो रही थी, गरम। और फिर आखिरी में क्या है, कड़क, कड़क जैसा क्या है, सड़क। ठीक है, तो
तो इस तरीके से आपको तुकान शब्द लिखने थे जिनकी एक जैसे सी मिलती जुलती आवाज होती है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए अपनी पसंद के दो संवाद लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, ठीक है, और साथ में एक लड़की है। अब वो आपस में क्या कह रहे होंगे ये हमें बताना है। तो ठीक है, जहाँ पर जो आपका मन करे, जो आपकी चीज़ दिमाग में आ रही है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से कोई भी बातचीत लिखनी है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक है, हेलो लिख दिया, ये क्या बोलेंगे, ये भी हेलो बोलेगी। ठीक है, इस तरीके से कैसे हो, ठीक है, फिर ये बोलेगी बढ़िया है। तो इस तरीके से जैसा आपका मन करे आप दो चार वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे अपने आप करेंगे, कुछ नहीं करना है। दो दो डायलॉग आपको लिखने हैं। देखिए दो दो मैंने आपको वैसे भी लिखकर बता दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप इससे आगे बढ़कर एक या दो लाइनें ज़रूर लिखें कि कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। इस तरीके से कोई भी दो चार सेंटेंस आप लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और उसके अनुरूप यानी उसके हिसाब से एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। संवाद क्या है, बातचीत। तो यात्री कह रहा है अरे यह है बस कब चलेगी, बस वाला कहता है भैया थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। यात्री कहता है कितने और लोगों को बिठाना है, बस तो पहले से ही भर चुकी है। ठीक है, तो ये छोटा सा संवाद यहाँ पर है 3 डायलॉग्स का। हमें क्या करना है, इसके हिसाब से एक चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। तो सीधी सी बात, आप क्या बनाएंगे, एक बस का यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बस हो सकती है, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप मेरी ड्राइंग तो ऐसी ही है, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसी आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं बस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका हो गई है, अब हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट। ठीक है, जो कि हमारी 12 अप्रैल की ही होने वाली है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नानी घर, ट्रिन ट्रिन साइकिल, पोपो बस या छुक छुक रेल में करते हैं सफ़र। ठीक है, यहाँ पर दो लाइनें लिखी हुई थी। आइए देखते हैं क्या करना है। इन पंक्तियों से हमें बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी, तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ वाहनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाहनों की बात करने वाले हैं, व्हीकल्स बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि जिन वाहनों का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए साधन किस लिए इस्तेमाल होता है, या तो हम व्यक्तियों को यानी जो इंसान है, ठीक है, या हम वस्तुओं को जो अलग अलग चीज़ें हैं, सामान है, उनको एक स्थान से यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर क्या लिखा है, बच्चों क्या आपको पता है कि वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग तरह के वाहन होते हैं, ऐसे ही कुछ वाहन आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब आप इन वाहनों को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें अलग अलग वाहन बताए हुए हैं, अब हमें उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। किसके बेस पर, सबसे पहले हमें बताना है कि पहियों की संख्या कितनी है, किस कार्य हेतु इस्तेमाल होते हैं, और फिर वायु परिवहन है, जल परिवहन है या भूमि परिवहन। एक एक करके हम समझेंगे कि क्या करना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहियों की संख्या के हिसाब से यदि पहिए हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उन ये देख लेते हैं कि कौन से वाहन में कितने पहिए होते हैं। अब स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, 2 होते हैं। रिक्शा में कितने होते हैं, 3 होते हैं। हवाई जहाज में कितने होते हैं, हवाई जहाज में तो बहुत सारे होते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि 4 से ज़्यादा होते हैं। देखिए ग्रेटर देन का साइन होता है ना, हम क्या लिखेंगे, 4 से ज़्यादा। ठीक है, नाव में कितने होते हैं, 0। टैक्सी में कितने होते हैं, 4, क्योंकि टैक्सी भी गाड़ी होती है। हेलीकॉप्टर में कितने होते हैं, हेलीकॉप्टर में ऊपर पंखा होता है, 0 पहिया होते हैं उसमें। और फिर शिकारा क्या है, ये भी एक तरह की नाव होती है, ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, 0। तो इस हिसाब से हमने इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम पहले ये बताएंगे कि 0 पहिए वाले कौन कौन से हैं, तो देखिए नाव हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो गया, शिकारा हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कौन से हैं, ये वो हैं जिनके 0 पहिए हैं।
फिर हम क्या लिखेंगे, तीन पहिए वाला कौन है, रिक्शा, ठीक है, ये तीन पहिए वाला हो गया। चार पहिए वाला क्या है, टैक्सी, ठीक है, और चार से ज्यादा वाला कौन सा है, हवाई जहाज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। फिर देखिए आगे क्या है, किस कार्य हेतु इस्तेमाल होता है, तो देखिए ये जो जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं ये सारी दोनों ही कार्य के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन से, ऊपर हमने पढ़ा था, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि व्यक्तियों, ठीक है, और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप नाम लिखना चाहें तो ये सारे ही नाम आप यहां पर लिख सकते हैं दोनों ही कैटेगरी में। क्यों, देखिए स्कूटर है, स्कूटर पे क्या आप सामान नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं, तो आप वस्तुओं को भी ले जा सकते हैं और स्कूटर पे व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं। वैसे ही रिक्शा में आप वस्तुओं को भी ले जा सकते हैं, व्यक्ति को भी, हवाई जहाज भी दोनों चीज़ों के काम आता है, वस्तुएं ले जाने के लिए भी और व्यक्ति ले जाने के लिए भी। वैसे ही नाव, टैक्सी, हेलीकॉप्टर और शिकारा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं और वस्तुओं को भी। तो यहाँ पर सारे के सारे नाम आ जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं या फिर ये लाइन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्या है, अगला हमें ये बताना है, जैसे वायु परिवहन लिखा हुआ, वायु का मतलब क्या होता है, हवा, यानी यहाँ पर हमें ऐसे नाम लिखने हैं, ऐसे वाहन बताने हैं जो हवा में चलते हैं, ठीक है, जैसे हवाई जहाज। फिर क्या है, जल परिवहन, जल परिवहन कौन सा होता है, जल यानी पानी, तो यानी जो पानी में चलते हैं। और फिर क्या है, भूमि परिवहन, यानी जो जमीन पर चलते हैं। तो एक एक करके हम लिख लेंगे, सबसे पहले है वायु, वायु में कौन सा है, एक ही है, हवाई जहाज, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हवाई जहाज। फिर दूसरा क्या है, जल परिवहन, जल के लिए कौन कौन से हैं, देखिए एक तो नाव है, ठीक है, नाव के साथ साथ शिकारा, ये हो गया। उसके बाद क्या है, बाकी जो है वो भूमि के रह गए, तो जितने भी रह गए, जैसे स्कूटर वो कहाँ चलता है, भूमि पर चलता है, रिक्शा वो कहाँ चलता है, भूमि पर चलता है, और क्या रह गया, टैक्सी रह गया, ठीक है, एक ये रह गया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी कहाँ चलता है, हवा में उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से, ठीक है, देखिए सारे नाम हमारे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हमने टेबल भरनी थी। फिर क्या लिखा है कि बच्चों जरा सोचिए, पुराने समय में जब इंजन वाले वाहन नहीं हुआ करते थे तो यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता होगा, ऐसे कोई भी चार यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। यानी देखिए पुराने समय में क्या होता था कि घोड़ा गाड़ी तो हमारे पास होती नहीं थे, ठीक है, जिनमें अब इंजन लगता है, वैसी चीज़ें तो होती नहीं थी। तो पुराने समय में क्या होता था, देखिए एक तो सबसे पहले पालकी होती थी, पालकी क्या होती है, जिसमें लोग बैठकर जाते थे और चारों तरफ क्या होता था, उनके सेवक खड़े होते थे, उनको उठाते थे और उसमें बैठकर वो जाते थे, तो वो पालकी है, ठीक है। और क्या होता था, फिर क्या आई, साइकिल, ठीक है, साइकिल आप लिख सकते हैं। और क्या था, घोड़ा गाड़ी, जिसमें घोड़ा बना, ठीक है, और क्या होता है, बैलगाड़ी भी होता है, जिसमें बैल बनाओ, ठीक है। देखिए चार चीज़ें हमने लिख ली हैं, पालकी, साइकिल, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी। तो ये सारे ऐसे यातायात के साधन हैं जिनमें कोई इंजन नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए फिर क्या है, हम बहुत से यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यानी कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो सिर्फ एक ही काम करेंगे जो उनके लिए बनाया गया है। ऐसे ही कुछ वाहन नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम के साथ इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पांच हमें वाहन दिखाए हुए हैं, ठीक है, हमें ये बताना है कि ये कौन से वाहन और इनका क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये तो गार्बेज ट्रक है, कूड़ा ट्रक है, जो कूड़ा उठाकर ले जाता है। दूसरा क्या है, ये फायर ब्रिगेड वाला ट्रक है, ठीक है, जो आग बुझाने के काम आता है।
क्या है, ये क्रेन है जो सामान उठाती है, ये क्या है, ये कंक्रीट मिक्सर है, ठीक है, जिसमें मसाला बनता है घर बनाने के लिए। फिर लास्ट में क्या है, एम्बुलेंस है जिसमें पेशेंट को लेकर जाया जाता है। तो ये पांच व्हीकल हमने पहचान लिए। आइए देखते हैं इस आंसर में हमें लिखना क्या है। तो देखिए इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्या था, कचरा ट्रक था, कचरा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दमकल वाहन था जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्रेन था जो वस्तुओं को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्या था, कंक्रीट मिक्सर ट्रक था जिसमें कंक्रीट यानी जो मसाला बनता है ना, जैसे आप घर बना रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें मसाला जो बनता है उसके लिए वो इसमें बनता है। तो कंक्रीट ले जाने और उसका मिश्रण यानी उसको बनाता भी वो उसी के अंदर, उसमें घुमाता रहता है, उसके मिश्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्या है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या है, रोगियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमने वाहन लिख दिए हैं और उनका उपयोग भी लिख दिया है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।